हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड से ये लेस बनानी सिखाई थी। आप उम्मीद है आपको ये अच्छे से, इसके बाद मैंने इसकी मॉडिफिकेशंस भी, इसके साथ क्या क्या आप बना सकते हो वो भी सिखाया था। कलरफुल जोजो मैट बनाई थी जो कि इस लेस के साथ ज्वाइन करके मैंने बनाई थी। आज मैं इसी कड़ी में एक और कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड की लेस बनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये लेस आप किसी दुपट्टे हैंकी पे लगा सकते हैं या आप किसी और पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके रिंग्स बना सकते हैं, मतलब आप कुछ भी मैट वगैरह बनाना चाहो तो आप इससे बना सकते हैं। तो ये लेस भी बनानी बहुत आसान है, मैं इसको आज आपको बनाना सिखाऊंगी। मोरोवर आज मैं आपको शटल का भी बताऊंगी कि शटल भी कई तरीके के होते हैं। एक ये पी स्टाइल है शटल का, जिसके आगे ये हुक लगी होती है। ये हुक आपको पिकेट में से थ्रेड पास करने या बीड्स लगाने के काम आती है। तो शटल आप किसी भी तरह की लें, ये देखिए ये सिंपल शटल है, तो डिफरेंट तरह की शटल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इस शटल से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें बॉबिन होता है, ये बाहर निकल जाता है। इसको जरा सा खोलें, जरा सा, तो ये बॉबिन बाहर आ जाएगा। उंगली के साथ पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको आराम से थ्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे बॉबिन में थोड़ा थ्रेड मूव करना मुश्किल होता है। तो इसको ऐसे, इसको जब आप भर लेते हो, उसके बाद इसको, ये जो थ्रेड है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे, सॉरी ऐसे, इस तरीके से आपने करना है कि थ्रेड जो है वो ऊपर की साइड रहे ऐसे। नीचे की साइड आएगा तो आपको बनाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, ये बार बार अड़ता भी है, तो हम सब कोई ये वाला शटल यूज़ नहीं कर सकते। बेसिक शटल तो यही है, आपको यही यूज़ करना चाहिए। ये बनाना और इसको करना बहुत आसान है यूज़ करना। और थ्रेड्स भी कई तरह के होते हैं, ये देखिए ये कुछ एंकर के थ्रेड्स हैं जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं। ये स्ट्रैंड्स मोटे या पतले होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में वर्क करना चाह रहे हो थोड़े मोटे स्ट्रैंड वाला, जैसे कि ये थोड़ा मोटा है, मोटे थ्रेड से शुरू करें, ताकि मोटे थ्रेड से गांठ दिख भी जाती है और आपको खोलनी या लगानी आसान भी होती है। बारीक थ्रेड को थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको के साथ बारीक लेसेस बनती हैं जो कि आप सूट्स या साड़ीज पे लगाते हैं। मोटा जो काम है वो आप किसी पैच वर्क बनाने के या किसी ऐसी जगहों में काम आता है, लेकिन आप जब थोड़ी बारीक लेस बनाते हैं, जैसे यही देखें आप, ये लेस जो है ये थोड़ी क्रूड बनती है मोटे थ्रेड की। तो इसको आप जहाँ पे आपको ऐसा इफेक्ट देना है कि थोड़ी मोटी लेस चाहिए, तो ये वाला थ्रेड यूज़ करें। और अगर आपको थोड़ी बारीक इफेक्ट देना है तो ये थ्रेड यूज़ करें, ये बहुत बारीक होता है और इसकी लेस बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये बनानी, मतलब इसमें गांठे थोड़ी ज़्यादा डलती हैं और उसमें गांठे कम डलती हैं, मतलब डबल नॉट्स जो हैं इसमें कम नॉट, ज़्यादा नॉट्स लगानी पड़ती हैं और इसमें थोड़ी कम लगानी पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़े मोटे थ्रेड वाली लेस यूज़ करनी चाहिए, मोटा थ्रेड यूज़ करना चाहिए लेस बनाने के लिए। जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो आपको थोड़ा बारीक स्ट्रैंड वाली लेस यूज़ करनी चाहिए, इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है और ये बड़े फाइन चीज़ों पे लगाने के काम आती है। तो आज मैं आपको थोड़े फाइन थ्रेड के साथ ये वाली लेस बनाना सिखा रही हूँ। इस लेस को बनाना भी वैसे ही ईजी है जैसे आपने कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड से सिंपल लेस बनाई थी। आप इसको भूल जाओ कि ये मैंने बनाया हुआ है, आप यहाँ से शुरू करोगे। डबल स्ट्रैंड यूज़ करा है मैंने, एक कलर सॉरी डबल कलर यूज़ करा है, एक थोड़ा सी ग्रीन है और दूसरा ब्लू है। तो सबसे पहले हम ये वाली रिंग बनाएंगे, ये रिंग,
ये रिंग जो है इसमें मैंने 10 डबल नॉट्स, एक पिकेट, फिर 10 डबल नॉट्स डाले। तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे जिसमें 10 डबल नॉट्स पिकेट और 10 डबल नॉट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल साथ करके ही शुरू करेंगे। 10। ये देखिए, ये 10 डबल नॉट्स बन गई। 10 डबल नॉट्स बनाने के बाद हमने पिकेट डालनी है। फिर 10 डबल नॉट्स डालनी। इसका बॉबिन जो है वो अपने आप ही घूमता है, ये अपने आप रोटेट होता है। जब आपको थ्रेड ज़्यादा चाहिए तो आप इसको खींचोगे तो ये खुल जाएगा। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आपने 10 डबल नॉट्स पिकेट और 10 डबल नॉट्स ऐसे डाल के आपने एक रिंग बना ली। इसमें जो दो रिंग्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली बनती हैं। अब ये रिंग किसी के साथ नहीं जुड़ेगी, एक रिंग बनाएंगे। इसके बाद हम ये कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड करेंगे और अगली रिंग बनाएंगे जो इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, दो रिंग्स दिखती हैं, साथ बनती नहीं है। एक बनती है, फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड होता है, उसके बाद हमने दूसरी रिंग बनानी। अब ये कॉन्टीन्यूस थ्रेड मेथड में जो हमने हाफ लूप बनानी है, उसमें हमने 4 डबल नॉट्स बना के और पिकेट डालनी है और 3 पिकेट्स का हाफ सर्कल बनाना है। 2, 3, 4 के बाद नॉट बनानी थी। 1 क्रोशिया इसीलिए काम आता है, ये थोड़ा खोल, इससे किसी चीज को खोलना हो थोड़ा इजी हो जाता है। पिकेट बना के हमने फिर से 4 डालनी है। 1, क्योंकि इसके आगे हुक लगी है तो वो बार बार थ्रेड में अड़ती है, उसको प्रैक्टिस से बनाए, आप इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3, 4, फिर उसके बाद फिर पिकेट। 1, 2 तीन, चार, अभी 2 पिकेट्स डले हैं, एक और पिकेट डलेगी अभी हमारी।
तो ये हमारा हाफ सर्कल बन के तैयार हो गया। इस तरीके से अब हम दोबारा जब सर्कल बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, तो उसको हम 10 डबल नॉट्स बना के इसके साथ अटैच कर देंगे। बस इसी तरह बनाते जाओगे। तो ये सिंपल लेसेस हैं, जिनको टैटिंग बना करनी आ गई है वो ये लेसेस आराम से बना सकता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये 10 बनाने के बाद हम ये जो पिकेट है इस पिकेट के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम क्रोशिया यूज़ करते थे, अब हम ये हमारे पास क्रोशिया ही है जिससे हम पिकेट में से थ्रेड निकाल के आराम से, बस इस पर्पज़ के लिए ये बहुत ईजी है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टेन डबल नॉट्स और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, पहले पिकेट के साथ और फिर 10 डबल नॉट्स और उसके बाद रिंग को कंप्लीट कर देंगे और थ्रेड को खींच लेंगे टाइटली। तो इस तरह से ये लेस बनती चली जाए। इस तरह से मैंने ये लेस बनाई। तो आई होप कि आपको ये लेस भी अच्छी लगेगी और आप इसको भी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये लेस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।